हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है चुचिन विद डबल जीट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम स्वीट कॉर्न चीज सैंडविच और बढ़िया तरीके से कैसे बना सकते हैं, और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो चैनल लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर जाकर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इच्छा आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन छुट्टी में मिल जाएगी। तो चलिए जय वीडियो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दो आलू लेने हैं उबले हुए, और एक टमाटर लेना है, एक प्याज लेना है, और दो हरी मिर्च ले लेनी है बारीक बारीक काट लेना है, और थोड़ी सी चीज लेंगे, और स्वीट कॉर्न लेंगे, और टमाटो सॉस लेंगे। फिर हम आलू तो अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया हुआ है आलू तो। फिर हम एक बाउल में निकाल लेंगे आलूओं को। फिर हम ऐड करेंगे उसमें टमाटर, प्याज और हरी मिर्च बारीक बारीक जो चाटी हुई है। फिर हम इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। फिर हम मसाला डालेंगे आधा चम्मच, और नमक डाल लेंगे आधा चम्मच स्वाद अनुसार। फिर हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। फिर हम एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे। मैंने वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें टमाटो सॉस ले जाएंगे, और जो हमने मिक्सर बनाया हुआ है वो हम इस पर लगा लेंगे अच्छी तरह से, और इसे स्प्रेड कर लेंगे। फिर हम मेयोनीज ले जाएंगे, मेयोनीज को भी हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे उसी स्लाइस पर जिस पर हमने टमाटो सॉस ले जाकर आलू का मिक्सचर लगाया है। फिर हम स्वीट कॉर्न ले जाएंगे, उस पर डाल लेंगे स्वीट कॉर्न डाल लेंगे। फिर हम इस ऊपर चीज ले जाएंगे। बहुत ही बढ़िया स्वाद आने वाला सैंडविच है। आप किसी भी तरह की चीज डाल सकते हैं, चीज स्लाइस भी आप डाल सकते हैं। फिर हम दूसरी ब्रेड की स्लाइस ऊपर ले जा लेंगे, और टोस्टर में ले जा लेंगे। इसी तरह हमने दो ब्रेड बनाकर टोस्टर में ले जा लेनी है, और स्विच ऑन कर लेना है। हमारी ग्रीन लाइट ऑन हो रही हुई है। आमचूर पाउडर डालने से बहुत ही ज़्यादा चटपटे बने थे सैंडविच। हमारी रेड लाइट ऑन हो रही हुई है, इसका मतलब हमारे सैंडविच बनकर तैयार हैं। फिर हम टोस्टर तो ओपन करेंगे, और जैसे हमारे सैंडविच बनकर तैयार हैं, और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। फिर हम इसे टट कर लेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी और सुपर क्रिस्पी सैंडविच बनकर तैयार है। बहुत ही बढ़िया स्वाद आने वाला है, जैसे कितने अच्छे से बनकर तैयार है सैंडविच। तो अब हम इसी तरह ऐसे ही सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे, और चट लगाकर पीस कर लेंगे, और इसे सर्व कर लेंगे। टमाटो सॉस के साथ आप खा सकते हैं इसे। बहुत ही बढ़िया बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगेगी। बहुत ही आसान रेसिपी है इसे बनाने की। ऐसी इसे रेसिपी या सैंडविच बनाइएगा, सहीएगा, तो मैं हमें जरूर बताइएगा कि कैसे बने हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है इसे बनाने की। तो मिलते हैं तो नहीं ऐसी वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।